एवरीबॉडी, सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं मगर मरना किसी को नहीं है। देखिए इंग्लिश में हम बोलते हैं कि एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वॉन्ट्स टू डाई। सबको मेहनत का फल चाहिए। अगर तकदीर की भेंट आपको मिल जाएगी तो बोलिए क्यों हार्डवर्क का फ्रूट्स चाहिए, क्यों आपको मेहनत का फल ढूंढना पड़ेगा। मगर पते की बात तो यह है कि तकदीर हमेशा उसके साथ रहती है जो सिर्फ सोता नहीं, जो सिर्फ ड्रीम्स देखता नहीं मगर जो उठ के उन ड्रीम्स को सहकार करने के लिए काम करता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हर दिन 1% इंग्लिश का नॉलेज आप एक पड़ाव इंप्रूव करेंगे तो मैं यकीन के साथ हमेशा कहता हूं कि आप धीरे धीरे मगर श्योरली इंग्लिश में माहिर हो जाएंगे। तो आइए आज मैं एक राज की बात बताता हूं, राज जो आपका है मगर जानता मैं हूं, और वो है कि आज आप जहां पे भी हो मुझे यकीन है कि आप 10 साल पहले कहां थे और 10 साल के बाद आप कहां जाने वाले हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले आप जहां भी थे आप यहां थे और आपको लगा था कि 10 साल के बाद मैं यहां पे रहूंगा मगर विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बिना इंग्लिश में माहिर हुए, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप 10 साल में यहां नहीं यहां है आप। तो मैं ये कैसे कह सकता हूं, आप मानेंगे? हाँ सर आपने सही बोला, मैं 10 साल पहले यहां था और मैंने सोचा कि यहां तक आ जाऊंगा मगर देखिए मैं मेरा तकदीर देखिए कि मैं यहां पे हूं। करेक्ट। मजा तो यह है कि मैं इस विषय को इसलिए जानता हूं कि आप आराम से घर में बैठ के टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आप अब क्या कर रहे हैं, मेरे वीडियोस देख के आपको ये चाह है कि मैं और इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि आप किसी और के पैसे से जिंदगी बिता नहीं रहे हैं, आप खुद के मेहनत से अपना जीवन को सुधार रहे हैं। तो बात तो यह है कि आप पहले यहां थे, बिना इंग्लिश के नॉलेज का आप यहां तक आएंगे ऐसा आपने सोचा मगर आप यहां तक आ गए हैं। अभी सोचिए आप थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो आप इंग्लिश जानते हुए, इंग्लिश में आप प्रैक्टिस करके, एटमॉस्फियर गेन करके, आप थोड़ा बहुत रूल सीख के अच्छी तरह से आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे तो आपके प्रोफेशनल लाइफ यहां से 10 गुना जा सकता है और जरूर जाएगा। पहले एक एपिसोड में मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया था कि हम आपको जॉब देने के लिए हमेशा तैयार है मगर सैलरी नहीं देंगे। डोंट ट्राई टू विन द जॉब, विन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में मुझे आपको ये दिखाना है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, ये इंग्लिश में जानता हूँ और जो जानता हूँ मैं बेहतरीन तरीके से उसे इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे झिझक नहीं है, मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे इनसिक्योरिटी नहीं है, मुझे इन्फीरियॉरिटी नहीं है, मुझे फियर नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो भी मैं बात करूँगा आपको समझ में आ जाएगा। पहला एपिसोड आपको याद है मैंने बताया कि पहला एपिसोड में मैंने बोल दिया 3 मिनट में आपको समझ आ गया कि मेरा हिंदी वीक है, मेरी हिंदी वीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी मैं कहने की चाह रख रहा हूं उसे मैं आपके बारे में अद्भुत तरीके से, इन स्पाइट ऑफ माई इनएबिलिटी, मैं अच्छी तरह से आपके सामने पेश कर रहा हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं जो बोलना चाहता हूं वो आप 100% समझ रहे हैं। नमस्कार, आप ये वीडियोस देखिए और मुफ्त में हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीखिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।